हम देखेंगे कैसे हम लाइव जीएसटी आर 3B फाइल कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी आर 3B के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर हमने सेलेक्ट किया है, क्वार्टर हमारा 3 होगा, पीरियड हमारा अक्टूबर होगा। फिर सिंपली हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर 2B का ऑप्शन है, 2A का है, 3B का है। 2B हमें डाउनलोड करना है। ऐसा कि आप जानते हैं कि 2B से हमारा ITC का टेबल ऑटो पॉपुलेट होता है। हम डाउनलोड में क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर ऑप्शन आता है जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड, इसको हम लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अब हम बैक प्रेस करते हैं और एक बार अक्टूबर में वापस जाते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑफलाइन तब हम करते हैं जब हमको टैली के डेटा से पुल करना होता है, और प्रिपेयर ऑनलाइन जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। ड्यू डेट 20/11 है अक्टूबर के रिटर्न का। हम मंथली जीएसटी आर 3B लाइव फाइल कर रहे हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं, ये पूछता है कि क्या आपको निल रिटर्न फाइल करना है। मुझे निल रिटर्न नहीं फाइल करना, इसलिए हम नो प्रेस करके नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद सारी जो टेबल्स है, टेबल 3, टेबल 4, वो जनरेट हो चुकी है ऑटो पॉपुलेट होके, तो हम क्लोज कर देते हैं। देखिए अब हमें तो पता है टेबल 3 जो है वो कैसे जनरेट होता है, GSTR 1 से। GSTR 1 में जो भी हम डिटेल देते हैं वो टेबल 3 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। टेबल 3 हमारा सेल्स का डिटेल है। इसमें हम लोग क्या डिटेल डालते हैं, बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल यहाँ पर जाता है कि कितना टैक्सेबल वैल्यू है, कितना CGST, SGST, IGST है। डिफरेंट तरीके का आउटवर्ड सप्लाई होता है, जैसे जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड, वो डिटेल में आपको GSTR 3B के वीडियो में मिल जाएगा। अब हम टैली का एक बार अगर देखें तो टैली में अगर आप देखोगे तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई इतना ही है, 533,030, और टैक्स अमाउंट 26,651 का ही है। यहाँ पर भी वही आ रहा है, हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यही डेटा आ रहा है जो GSTR 1 से पुल आउट हुआ है। अब एलिजिबल ITC के बारे में बात करते हैं। हमारा इंटर स्टेट सप्लाई कुछ है नहीं, तो इसमें हम डाटा नहीं डाल रहे हैं। एलिजिबल ITC में क्या क्या है, बेसिकली एलिजिबल ITC का जो डेटा होता है वो 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है। 2B में जो भी हमारे जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो GSTR 1 में जो भी डिटेल डालता है वो 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, और 2B के हिसाब से ही हम क्रेडिट ले सकते हैं। अगर हम ज्यादा क्रेडिट लेते हैं तो यहाँ पर रेड हाईलाइट हो जाएगा, तो हम 2B के हिसाब से ही क्रेडिट लेंगे। तो हमारा ऑल अदर ITC में इतना आ रहा है, लेकिन हो सकता है 2B में कोई ब्लॉक क्रेडिट हो। ब्लॉक क्रेडिट मतलब जिसको क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा तो वो क्रेडिट हम नहीं ले सकते, ठीक है। इनएलिजिबल क्रेडिट अगर कुछ 2B में आ रहा है तो हम नहीं ले सकते, तो हमें 2B को चेक करना पड़ेगा, अपने बुक्स के साथ रिकनसाइल करना पड़ेगा। ये मेरे 2B का डेटा है, और हमारा बुक्स का डेटा में हम जाते हैं, ये मेरे बुक्स का डेटा है जिसमें ऑल अदर ITC में मैं जा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे बुक्स में आ रहा है सारा रिकॉर्ड। अगर आप देखेंगे धन लक्ष्मी का आ रहा है, यहाँ पर धन लक्ष्मी का आ रहा है, ये सारा चीज आ रहा है, मैंने कंपेयर किया है, तो ये रिकॉर्ड हमारा आ रहा है बुक्स में। इसी अमाउंट का अगर हम अमाउंट देखना चाहे तो यही अमाउंट का रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट है 108 रुपए का GST जो देवी इंटरप्राइज का आ रहा है, हमारे पास देवी इंटरप्राइज का भी GST आ रहा है। नेक्स्ट हमारा शुभ लक्ष्मी फैशन का आ रहा है, तो ये सारा चीज हमारा 2B से मैच हो रहा है। 4494 का GST का अमाउंट है, CGST का। न्यू इंडिया इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो भी आ रहा है, और मून इम्पैक्ट का अमाउंट आ रहा है, ये सारे अमाउंट आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए HDFC एग्रो नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर HDFC एग्रो जो है आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। बेसिकली HDFC एग्रो हमारा ब्लॉक क्रेडिट है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को हमने पे किया है हमारे मोटर कार के इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पर हमने शो किया है कि ये ब्लॉक क्रेडिट है, तो ये ब्लॉक क्रेडिट है, इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। तो ये कौन से टेबल में कहाँ जाएगा, ये एलिजिबल ITC में जाएगा क्या? ये उसी टेबल में जाएगा लेकिन ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आएगा, क्योंकि इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा।
तो 490.68 का क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, और कितना हमको जीएसटी मिलेगा, 12,999.84। तो यहाँ पर हम ठीक कर देते हैं कि ऑल अदर आईटीसी में 12,999.84 का ही जीएसटी मिलेगा हमें, ऑल अदर आईटीसी में हमको सिलेक्ट करना होगा। और हमको ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सीन्स मुझे मोटर कार का क्रेडिट नहीं मिल सकता तो वो मेरे लिए इनएलिजिबल क्रेडिट है, वहां पर मुझे 490.68 डालना होगा सीजीएसटी एसजीएसटी में। तो मैं डाल रही हूँ 17 सबसेक्शन 5 में 490.68, तो ये मेरा आ गया ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन। इस टेबल के बारे में अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप 3B का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने ऑल अदर आईटीसी में जितना मेरा एलिजिबल आईटीसी है वो डाल दिया है, और मैंने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट डाल दिया है जो मेरा एलिजिबल नहीं है। तो मैं कंफर्म करती हूँ। कंफर्म करने के बाद देखिए मेरा जो है, मैंने एलिजिबल आईटीसी भी अपना डाल दिया जो मेरे बुक्स के अकॉर्डिंगली है, जो मेरे 2B से कम है। तो एक्चुअल में हमको 2B के हिसाब से ही लेना होता है, लेकिन अगर कुछ ब्लॉक क्रेडिट है तो वो मेरे को एलिजिबल आईटीसी के ब्लॉक क्रेडिट के सेक्शन में डालना होता है, या कोई बिल्स मिसिंग है तो वो क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। मेरा कोई एग्जाम नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है और लेट फीस भी नहीं है। अब हम सेव कर लेते हैं जीएसटी या 3B को जो हमने फाइल करना है। तो सेव रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, हम रिफ्रेश करते हैं, प्रोसेस भी हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। देखिए पेमेंट का दो वे है, या तो आप आईटीसी के थ्रू पेमेंट करें या तो आप कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करें। अगर आपके पास आईटीसी ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो आपको कैश के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है। सपोज कीजिए मेरे पास आईटीसी 100 रुपया है, मेरा आउटपुट टैक्स 120 रुपया है, तो मेरे को 100 रुपया जो है वो आईटीसी से पेमेंट करना पड़ेगा और 20 रुपया कैश लेजर से। इस केस में मेरे पास इनफ क्रेडिट है, मेरे पास ज्यादा क्रेडिट है। देखिए यहाँ पर क्रेडिट अवेलेबल है, प्रीवियस मंथ का लेके मेरे पास 41,000 का क्रेडिट है, जबकि मेरा टैक्स जो है वो कम बन रहा है, मेरा टैक्स कम बन रहा है। तो ये मेरा आईटीसी के थ्रू ही पे हो गया है। अगर आपको सेट ऑफ के बारे में डिटेल में जाना है तो आप सेट ऑफ वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। तो बेसिकली आपका जितना भी आउटपुट टैक्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो आपके आईटीसी से ही पे हो गया है। इस वजह से कोई भी एडिशनल कैश आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कैश आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्रिएट नहीं करना है चलान इस केस में, बिकॉज कैश रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपको मेक पेमेंट ऑफ पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करना है। ये इसलिए करना है कि आप अपना क्रेडिट से सेट ऑफ करना चाहते हैं, जो भी आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको यूज करना चाहते हैं। तो आप सिंपली ये प्रेस कीजिए। ये देखिए एक वार्निंग साइन देता है कि एक बार ये करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वापस से वो वापस आएगा नहीं, रिवर्स नहीं होगा। इसलिए मैं ध्यान से आपको ये करना है। हम यस करते हैं, सक्सेसफुल हो चुका है। अब सिंपली हमको प्रोसीड टू फाइल करना है। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद मेरे को डिक्लेरेशन में टिक करना है और ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल फिल करना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ईवीसी से फाइल करूं या डीएससी से। ईवीसी से अगर आप फाइल करते हैं तो आपका ओटीपी जो है ऑथराइज सिग्नेटरी के नंबर पे जाता है, तो मैं फाइल करूंगी विथ ईवीसी और ओटीपी यहाँ पर मैं डालूंगी। तो हमने ओटीपी डाल दिया है, अब हम वेरीफाई करते हैं। देखिए रिटर्न एकदम सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो बहुत ही आसान था ये रिटर्न। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको 2B के हिसाब से क्रेडिट तभी लेना है जब एक्चुअल में उतना ही आपका क्रेडिट हो, और कोई भी ब्लॉक क्रेडिट है तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में आपको दिखाना है, और GSTR 1 से आपका सेल्स का डेटा ऑटो पॉपुलेट खुद ब खुद हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें हमने लाइव GSTR 3B फाइल किया है। आप जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए।